सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से कंफर्म तत्काल टिकट कैसे बुक कर सकते हैं, क्योंकि इन दिनों तत्काल टिकट बुक करना IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से या फिर IRCTC की वेबसाइट से काफी ज्यादा टॉप हो गया है। क्योंकि जब हम बुकिंग करते हैं तो बुकिंग के दौरान काफी सारे प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। ज्यादातर जो प्रॉब्लम आ रहा है हमारे साथ, लॉग आउट का प्रॉब्लम आ रहा है। यदि आपके साथ भी कुछ इस तरह के एरर देखने को मिलता है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो सिंपल आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। यहाँ पे आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूंगा। और काफी टाइम से चैनल पे वीडियो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि चैनल पे हमारे स्ट्राइक आ चुका था, तो फाइनली स्ट्राइक रिमूव हो चुका है। अब आप लोगों को रेगुलर वीडियो देखने को मिलता रहेगा। तो सिंपल आप लोगों को करना क्या है, स्टेप नंबर वन, जब भी आप IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से तत्काल टिकट बुक करेंगे तो आपके पास 2 से 3 मोबाइल फोन होना चाहिए। आप लोगों को अलग अलग यूजर आईडी से तीनों मोबाइल के अंदर लॉगिन होना है और सबका टाइमिंग अलग होना चाहिए। एक आप जान लो, यानी कि एसी के टिकट बुक करते हैं तो आप लोगों को 9:59 में लॉगिन करना है, तो एक है 9:59:10 में लॉगिन कर लेना है। एग्जांपल जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने IRCTC रेल कनेक्ट ऐप ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे लॉगिन करना है। यहाँ पे हमें कैसे लॉगिन करना है, कुछ लोग यहाँ पे 2-3 मिनट पहले लॉगिन करते हैं तो बुकिंग जब करते हैं तो उसका पेज लॉग आउट हो जाता है। आप लोगों को कोशिश करना है एक फोन में 1 मिनट पहले लॉगिन का हो जाना है और दूसरे फोन में 30 से 35 सेकेंड पहले लॉगिन हो जाना है। तो फाइनली हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद थोड़ा सा यहाँ हमें वेट करना पड़ेगा। लॉगिन कर लेंगे तो इससे पहले आप लोगों को मास्टर लिस्ट बना लेना है। मास्टर लिस्ट बनाने के बाद ट्रेन पे क्लिक करना है और इसके बाद बुक टिकट पे क्लिक करने के बाद फॉरवे स्टेशन टू स्टेशन पहले से आपको सेलेक्ट करके रखना है। इसके बाद यहाँ पे कोटा भी सेलेक्ट करके रख सकते हैं, नहीं तो कोई इशू नहीं है। इसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे लास्ट टाइम, यानी कि तत्काल टिकट बुकिंग के टाइम 10 सेकेंड 15 सेकेंड पहले जब लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को कोटा सेलेक्ट करके रखना है। इसके बाद जिस डेट को आपको टिकट बुक करना है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, आज 31 तारीख है, हमने यहाँ पर 1 अगस्त सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद सर्च ट्रेन पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है 5 से 7 सेकेंड पहले। इस पेज पर आपको ऑलरेडी पहले आके रहना है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पे दिल्ली से गौरीगंज के लिए सेलेक्ट किया, हमें पद्मावत में बुक करना है। तो आपके पास 2 फोन होना चाहिए और अलग अलग IP से लॉगिन होना चाहिए। अगर सेम IP से लॉगिन होते हैं तो आपका पेज लॉग आउट हो सकता है, इसीलिए बताता हूँ वीडियो को लास्ट तक देखते रहें क्योंकि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपको करना क्या है, जैसे ही 10 बजता है थर्ड AC की टिकट बुक करना है तो आप लोग यहाँ पर जैसे ही 10:01:02 होता है तो यहाँ पर फर्स्ट मोबाइल में आप लोगों को रिफ्रेश पे क्लिक करना है और सेकेंड मोबाइल में आप लोगों को 10:07:08 होगा तो आपको रिफ्रेश पे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, इसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करना है। थोड़ा सा 5 से 7 सेकेंड का डिफरेंस देना है क्योंकि हो सकता है यहाँ पे एक पेज आपका लॉग आउट हो और एक आपको फाइनल पेमेंट पे पहुँच जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम ज़्यादा जल्दी रिफ्रेश पे क्लिक करते हैं तो हमारा पेज लॉग आउट हो जाता है। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। ऑलरेडी आपने देख सकते हैं मैंने मास्टर लिस्ट में नाम सेव करके रख रखे हैं, तो आप लोगों को भी 20 से 25 मिनट पहले ही मास्टर लिस्ट में नाम सेव करके रखने हैं। और सेकेंड नंबर, जब आप टिकट बुक करेंगे तो IRCTC न्यू अकाउंट आपको होना चाहिए, या फिर न्यू अकाउंट नहीं है यदि ओल्ड अकाउंट है तो ओल्ड अकाउंट का आपको पासवर्ड चेंज कर लेना है। कई बार क्या होता है, हम काफ़ी टाइम से पासवर्ड चेंज नहीं करते हैं तो इसकी वजह से भी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसके बाद सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आप लोगों को सिंपल Pay UPI सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद रिव्यू जोनी डॉट डिटेल पे क्लिक करना है। इसके बाद सिंपल स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये प्रोसेस आपको काफ़ी ज़्यादा फास्ट होना चाहिए और दोनों मोबाइल में सेम टू सेम टाइम पे आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है। क्योंकि आपको यहाँ पे जब तत्काल टिकट बुक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रेश में टाइम मिलेगा, तो आपके पास टाइम मिल जाता है। इसके बाद प्रोसेस टू पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि इसको दो मोबाइल में लॉगिन करने से बेनिफिट आपको हो जाएगा। एक अगर लॉग आउट भी होता है तो दूसरा आप पेमेंट पेज पर आ सकते हैं। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पेमेंट पेज पर आ चुका था। यहाँ पर सिंपल फ़ोनपे सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद सिंपल यहाँ प्रोसेस टू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोनपे रिमूव कर चुका है, यानी फ़ोनपे यहाँ पे हटाया गया UPI, तो यहाँ पर आपको फ़ोनपे का ऑप्शन तत्काल के टाइम देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे फोन पे UPI सेलेक्ट करना है, यहाँ पे डायरेक्ट आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे इसी मोबाइल फ़ोन में अगर तो फोन पे इंस्टॉल होगा। और सिंपल यहाँ पे आपको UPI पिन डालना है, जैसे ही पिन डालते हैं आपका तत्काल टिकट बुक हो जाएगा। तो आप तत्काल टिकट के बुकिंग के दौरान ये ट्रिक अपना सकते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा चांसेस मिलेगा कि कन्फर्म टिकट बुक हो जाए। तो बस आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में।